हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त क्या एनर्जीज हो रही है डियर गाइस, आपके पास इनकी चेक करने वाली हूँ मैं टैरोट कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग में मैं आपको राशि बताऊंगी। राशियाँ आप चंद्र राशि के आधार पर देख सकती हो, देख सकते हो आप। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है आपके पार्टनर की, तो फिर आप नेम राशि से, सूर्य राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। और इसमें मैं कुछ एंजल साइन बताऊंगी आपको, कुछ क्लू दूंगी आपको, ताकि आपको पता चले कि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है कि नहीं। दूसरा जनरल रीडिंग है, तो जितना मैच करे उतना रखना, और अगर मैच नहीं करता है, थोड़ा बहुत मैच करते तो उतना रखना, बाकी का छोड़ सकते हो, तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग आज की क्या है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगी पॉजिटिव होकर आप इस रीडिंग को देखें। सो गाइस, इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की, उनका साथ फ्यूचर क्या होगा, उनका अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन, इस चीज को चेक करने वाली हूँ मैं। तो चलिए देखेंगे एनर्जीज को क्या है। स्टक हो रही है आज की एनर्जीज, मेरे को बहुत ज्यादा स्टक एनर्जीज लग रही है, ठीक है। एनर्जीज बहुत स्टक हो रही है, रुक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सेपरेशन में हो आप। फीलिंग आ रही है मुझे कि आप अकेले हो, सेपरेशन में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं रीडिंग देखते समय आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाया करिए, ताकि मैं कार्ड ले पाऊँ, ठीक है। क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो कार्ड भी वैसे ही आते हैं। देखिए आप इस वक्त, क्योंकि आपके दिमाग में ना इस वक्त जो चल रहा है वो मुझे पता है, एनर्जीज यहाँ मुझे मिल रही है ना। तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि चीजें ठीक हों। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, कार्ड दे दें। सामने लेकर आए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सच्चाई, उनके पीठ पीछे की जो भी हकीकत है, क्या चल रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स की पीठ पीछे उनके पर्सन की एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड कर दे यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दे, प्लीज पॉजिटिव हो जाइए। चलिए ठीक है, फिर कार्ड ही नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। आंखें बंद कर लीजिएगा जो भी लोग इस वक्त जुड़े हैं, 2-4 सेकंड का मैनिफेस्ट करेंगे। पॉजिटिव रहिए, ईश्वर को ध्यान कीजिए। जब भी मैं मैनिफेस्ट के लिए बोलूं कि मैनिफेस्ट करिए, तब आप किसी भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, ठीक है, उस ईश्वर का ध्यान कर सकते हो। तो चलिए, काफ़ी पॉजिटिव हो रहे होगे इस टाइम, ईश्वर का ध्यान करने भर से कहीं ना कहीं मन में चैन आता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैनिफेस्ट और कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है सही से दोबारा से पॉज करके कर लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक एनर्जीज पॉजिटिव हुई है, बट रिस्पॉन्स बहुत स्लो है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, आज कार्ड ही सफल करती रहूँगी मैं क्या। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, लीजिए। आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट, आपके साथ न्याय होगा। न्याय किस चीज़ का होगा? आपकी लॉयल्टी का, ठीक है, आपकी ईमानदारी का, आपकी अच्छाइयों का, आपके प्यार का। जो प्यार आपने, जो अच्छाइयाँ आपने अपने पार्टनर को दी, ठीक है, उन चीज़ों का न्याय होगा। जजमेंट का कार्ड मेरे हाथ में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके ऊपर ईश्वर की नज़र है, ठीक है। मैं ऑलवेज कहती हूँ इस चीज़ को, हमेशा कहती हूँ, कुछ भी करने से पहले, कोई भी कर्मा करने से पहले, हमेशा ये ज़रूर सोचें कि हमारे ऊपर ईश्वर की नज़र है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, और ये कार्ड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है। और अगर आप इस वक्त मेंटली स्ट्रेस में हो, किसी बात को लेकर परेशान हो, किसी कार्मिक की वजह से परेशान हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। यूनिवर्स जो है वो आपको इन परेशानियों से बाहर निकालेंगे।
कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, कोई पॉजिटिविटी है जो आपकी लाइफ में इस वक्त कम बैक हो रही है, वापस आ रही है। कहते हैं ना कि खुशियाँ वापस भी आती हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैम अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए अगर आपने मन में ठान ही लिया है कि कुछ नहीं हो सकता तो वाकई में फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। कहते ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो मन में रखो, पहले मन को पॉजिटिव करो, बाद में सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाएंगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं न्याय की बात कर रहा है। अगर आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखोगे तो ईश्वर ज़रूर आपको वो है पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है एडजस्टमेंट का है। सेकंड, आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट एनर्जीज फाइव ऑफ पेंटिकल में जा रही है। फाइनेंशियल परेशानी हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो इस वक्त, किसी बात को लेकर चिंता हो रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। देखो इस वक्त की करंट एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की जो मिल रही है उसमें ये पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा चिंताओं में घिरा हुआ दिख रहा है, काफी ज्यादा मानसिक चिंताओं में दिख रहा है, काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहा है ये पार्टनर आपका। फिजिकली मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है, किसी बात की चिंता इसको घेरे है। फाइनेंशियल हो सकता है कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, इस वक्त कहीं ना कहीं कर्मा भी फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पर्सन दिन रात ये सोचते हैं कि मैंने क्यों अपना रिश्ता खोया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खोकर, आपसे मूव ऑन करके, आपके साथ सेपरेट होकर आज आपके पार्टनर परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो इस वक्त आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, मेरे को जो एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है वो किसी थर्ड पार्टी की मिल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश यही कर रही है। एक से दो, दो से अधिक भी थर्ड पर्सन हो सकता कि फैमिली के मेंबर्स हों, कोई लेडी पर्सन हो। मोस्टली मेरे को लेडी पार्टनर दिख रही हैं एनर्जीज में। हो सकता है कि मेल फीमेल दोनों ही टाइप की थर्ड पर्सन हो जो आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर मोस्टली इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग लेडी पर्सन दिख रही है। दो से तीन से अधिक हो सकती हैं, एक से मतलब टू लेडी पर्सन या थ्री लेडी पर्सन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे इस वक्त। बताइएगा कितना रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोचा बिचारी में लगे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं उन पर्सन की बात मानकर बड़ा फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने इनकी वजह से अपना रिश्ता खराब कर लिया। और एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि ये जो पर्सन दिख रहे हैं ना, लेडी पर्सन दिख रहे हैं, जो थर्ड पार्टी मेरे को दिख रहे, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, बेहद क्लेवर है। और ये जो है ना, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, तंत्र मंत्रों का सहारा ले रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लॉसेस में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हो इस टाइम पर, आप हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है, दिन में नींद आती है लेकिन कहीं ना कहीं सो नहीं पाते हो, दिन रात आप जाग रहे हो, सोचे जा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। ये चीज़ें तो आपके साथ हो रही है इस वक्त मेरे को दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये तंत्र मंत्र, अगर ये निगेटिव विद्याएं आपके ऊपर की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होगे इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा उलझन में हो। और कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके फैमिली मेंबर्स लाइक या आपको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़, चक्कर आना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, तनाव होना, काम बिगड़ जाना और अचानक से मूड स्विंग होना, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली फेस कर रहे होगे इफ़ अगर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है तो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके बीच में हो सकता है, हो सकता है कि जो आपका पार्टनर हो वो कहीं बाहर का हो, किसी बाहर प्लेस का हो, कोई बाहर प्लेस हो उसका, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन की स्थिति आ रही हो, इस वक्त सेपरेट हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें इस वक्त मुझे यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो कितना रेजोनेट कर रही है ज़रूर बताइएगा मुझे इस वक्त एनर्जीज कितना रेजोनेट कर रही है। सो चलिए चेक करेंगे और एनर्जीज को। फाइव ऑफ एंड
पेरेंट्स की एनर्जीज है, आपस में भी झगड़े हो सकते हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है। अगर फैमिली मेंबर्स है तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक चीज मैं बोलूंगी आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर ने दूसरे की सुनकर दूसरे की गाइडेंस में अपनी खराब कर ली, बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन मेरे को दिख रहे हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा भावुक और इमोशनल है, ठीक है। आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में एक चेंज भी आता हुआ दिख रहा है। एक बारी ना मैं आपको गाइड करूँगी गाइस, आप लोग कुंडली जरूर दिखा लो, क्योंकि मेरे को यहाँ पर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी दशा महादशा चल रही हो जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हो। हो सकता है कि आपके रिश्ते में, जैसे कि हमारी कुंडली में 7th हाउस, ठीक है, 5th हाउस जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिश्ते को, है ना। 5th हाउस आपकी एजुकेशन का तो है, साथ के साथ आपके लव रिलेशनशिप का भी होता है। 7th हाउस आपकी मैरिज, आपकी शादी का होता है। तो 9th हाउस आपके किस्मत का होता है, आपके लक का होता है, ठीक है। आपके पिता का भी होता है लेकिन किस्मत का भी होता है। तो यहाँ पर 3 से 4 जो हाउसेज हैं उनका चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, कि कहीं ना कहीं कोई ग्रह, कोई ऐसे तो नहीं है ग्रह जिससे कि आपके इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं कुछ राशियां बोलने जा रही हूँ यहाँ पर, धनु, कुंभ, कन्या, तुला, कैंसर, सिंह राशि, वर्गो एंड यहाँ पर जैमिनी और लिब्रा, ठीक है। ये राशियों के इस वक्त से ऑपरेशन चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पार्टनर। ये पर्सन ने की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है, कई बार इन्होंने कोशिश की आपसे अपने रिश्ते को ठीक करने की, लेकिन हर बार ये पर्सन कहीं ना कहीं दूसरों के गाइडेंस में आकर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया। ये चीज़ दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आप देख रहे हो, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इस चीज़ के लिए आया कि भाई पूरी तरीके से एनर्जीज जो है वो घूम रही है, ठीक है। साइकिल जो है आपके बैड साइकिल, आपके बैड कर्मा, हो सकता है कि आपके पास्ट के कुछ बैड कर्मा हो सकता है कोई पास्ट के कुछ बैड साइकिल हो जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। एक न्यू साइकिल में आप आओगे एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको इस चीज की तरफ अग्रे वो कर रहा है आपको, कि आपका रिश्ता पूरी तरीके से दोबारा से एक नई शुरुआत होगी। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ये कार्ड, लेकिन मेरे को जो रिलेशनशिप में एनर्जीज दिख रही हैं ब्लॉक, उसके लिए आपको टैरो कार्ड रीडिंग तो लेनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बारी जन्म पत्री भी दिखवा सकते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ और हीलर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज आप दिखवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं आपके पर्सन को, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। इस वक्त काफ़ी बंधी हुई एनर्जीज भी आप फेस कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है किसी बंधी हुई एनर्जीज में आप हो। मतलब ऐसा कई बार आपको फील होता होगा कि मेरा रिश्ता या आपका रिश्ता जो है वो अचानक से कैसे ख़राब हो गया, सारी चीज़ें तो ठीक चल रही थी, लेकिन मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि शुरुआत में चीज़ें स्टार्टिंग में ठीक थी, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद एनर्जीज ब्लॉक होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक बात मैं और भी बोलूंगी कि कई लोगों की एनर्जीज को मैंने देखा कि अगर वो एनर्जीज स्टार्टिंग में ही ब्लॉक आ रही है और उसी टाइम पर अगर एनर्जीज को हम जो है वो पॉजिटिव करें तो काफ़ी ज़्यादा असर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है और 7 एपिसोड्स में भी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर शो हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें दूर किया जा रहा है, वो दूर होना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जो कार्ड दिख रहा है वो कार्ड मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स का दिख रहा है। बड़ी चिंताएं हो रही है आपके पर्सन को, बड़ा चिंता कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि जो कुछ चल रहा है ना इस वक्त आपके और इनके बीच में, वो चीज़ें उन्हें अंदर से परेशान कर रही हैं, अंदर से स्ट्रेस दे रही हैं। वो खुद की बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेन प्रॉब्लम ये है आपके पर्सन, खुद का दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो चल रहे हैं दूसरों के कहने में। और जब वो आपकी तरफ देखते हैं, जब वो अपने प्यार के बारे में सोचते हैं ना, तो उनको यही लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, उन्हें आपके साथ देना चाहिए। मैरिड पार्टनर हो सकता है, हो सकता है कि आप दोनों ही पति पत्नी हो, शादीशुदा जोड़ा हो, आप लव रिलेशनशिप आपका हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड या फिर कोई बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पर रिश्ता, वर्किंग प्लेस आपका एक हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कुछ साल पहले या कुछ
दिनों पहले आप एक लोग दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और कहीं कहीं मेरे को बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। तो एक कार्ड और ले लेती हूँ और लास्ट में इस रीडिंग को फिनिश करूँगी, ठीक है। एक कार्ड और ले लेती हूँ और देखती हूँ क्या होगा उनका अगला कदम, क्या इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या आपके पर्सन कोई फैसला लेंगे, क्या वो सोचेंगे आपके बारे में, क्या वो चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो, क्या होगा आगे आपके रिश्ते में, इस चीज़ को चेक करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, गाइड कर दें यूनिवर्स प्लीज़। यूनिवर्स पे कार्ड में एनर्जीज नहीं आ रही है गाइस, थोड़ा सा इस कार्ड से लेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जो भी है सच्चाई प्लीज़ सामने लेकर आएँ यूनिवर्स, जो कुछ भी है सामने लेकर आएँ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, हे यूनिवर्स हे एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़, प्लीज़ गाइड करें। पास्ट का पर्सन आपका जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहता है, ईश्वरी ऊर्जा जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर कार्ड से मेरे पास आए हैं, फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर जो आया है वो कहीं ना कहीं ये आया है आपके लिए कि भाई आपका जो पर्सन है वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस तरीके से गाइड किया जा रहा है जिसकी वजह से वो परेशान है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, वो कोई भी ऐसा झगड़ा कोई भी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स कोई भी आपके साथ अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि उन्हें कोई लगातार रोक रहा है जिस वजह से वो परेशान है, ठीक है। ईश्वर की शक्ति को पहचानो, देखो यूनिवर्स इस वक्त आपके साथ है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसा होने वाला हो, कुछ ऐसा हो रहा हो जिसमें आपको उम्मीद जाग रही हो कि हाँ भाई अब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले, तो ईश्वर की शक्ति को पहचानो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ आप सही रास्ते पर जा रहे हो, ठीक है, आपकी कर्मा ठीक है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ईश्वर आपको देखेगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को देख रही हूँ कि आपके साथ न्याय होगा, ईश्वर पूरी तरीके से आपके साथ न्याय करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जो फ्यूचर आपका इस जो रिश्ता आपका इस वक्त अटका है ना, स्टक है, वो रिलेशनशिप आपका आगे फ्लो में जाएगा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर है सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर यूनिवर्स है सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर न्याय होगा। और मीन मकर वृश्चिक ब्रस सिंह कन्या कर्क तुला पाइसिस कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो टॉरस लियो वर्गो कैंसर एंड लिब्रा, शादी का योग है और कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने का योग है। तो यहाँ पर जो मेरे को राशियाँ दिख रही हैं उस राशियों के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना हुआ है। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए अब लविंग हो रही है। ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मैं दोबारा से राशियों को जरूर दोहराऊंगी ताकि आपको क्लियरिटी मिले। पाइसिस कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो टॉरस लियो वर्गो कर्क कैंसर एंड लिब्रा, शादी का योग भी दिख रहा है एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने का भी योग भी दिखाई दे रहा है। सो गाइस, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग से जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे हीलिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते हैं, 9540111950 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है रीडिंग पर, आप डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। 400 रुपीज़ से स्टार्ट है रीडिंग, यू कैन आस्क 1000 रुपीज़ में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।